नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। घुश्मेश्वर को दृष्णेश्वर भी कहते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध एलोरा गुफाओं के समीप ही घुश्मेश्वर का भव्य मंदिर है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से यह एक ज्योतिर्लिंग है। मंदिर एक घेरे के भीतर है, वहाँ पास ही सरोवर है। श्री घुश्मेश्वर शिव और देवगिरी दुर्ग के बीच सहस्त्रलिंग पातालेश्वर सूर्येश्वर है। यह बहुत प्राचीन स्थान है। कुछ लोग एलोरा के कैलाश मंदिर को ही घुश्मेश्वर का वास्तविक स्थान मानते हैं। एलोरा इतना सुंदर स्थान है कि बौद्ध, जैन तथा अन्य धर्मावलंबी इसके प्रति आकर्षित हो गए और उन्होंने इस सुरम्य पहाड़ी पर अपने अपने स्थान बनाए हैं। भगवान शिव जी के इस महिमामय भव्य मंदिर की स्थापना से संबंधित कथा इस प्रकार है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पति प्रायणा पत्नी का नाम सुदेहा था। वे बड़ी सुखी थे, किंतु उनके कोई संतान न थी। इसमें सुधर्मा चिंतित रहने लगा। यह देख सुदेहा ने अपने पति से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। उसने अपनी बहन घुष्मा के साथ विवाह करने पर जोर दिया। उसने कहा कि घुष्मा के साथ मेरा अत्यंत स्नेह संबंध है, उसके साथ किसी प्रकार के मनोमालिन्य की शंका भी नहीं हो सकती। हम दोनों साथ साथ प्रेम से रहेंगे। अंत में निश्चिंत होकर घुष्मा के साथ विवाह करके सुधर्मा उसे घर ले आया। दोनों बहनें प्रेम पूर्वक रहने लगी। घुष्मा अतीव सुलक्षणा गृहिणी थी। वह अपने पति की सब प्रकार से सेवा करती और अपनी बड़ी बहन को माता के समान मानती। साथ ही वह शिव जी की अनन्य उपासिका थी। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका विधिवत पूजन करती। कुछ समय बाद शिव जी की कृपा से उसने पुत्र को जन्म दिया। सुधर्मा के साथ साथ सुदेहा के आनंद की भी सीमा न रही, किंतु आगे चलकर न जाने क्यों सुदेहा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और ईर्ष्यावश घुष्मा के पुत्र की हत्या कर डाली और शव को उसी सरोवर में डाल दिया जिसमें घुष्मा जाकर पार्थिव शिवलिंगों को छोड़ती थी। प्रातःकाल जब घुष्मा पूजन करके पार्थिव लिंग सरोवर में विसर्जित कर घर लौटने लगी, तब जीवित होकर उसका पुत्र उसके पास आ गया। भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। वरदान मांगने को प्रेरित किए जाने पर घुष्मा ने भगवान शिव से वहाँ नित्य स्थित रहने की प्रार्थना की, जिससे संसार का कल्याण हो। भगवान शंकर एवं मस्तु कहकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करने लगे और घुष्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस तालाब का नाम भी तब से शिवालय हो गया। पुराणों में इन घुष्मेश्वर भगवान की बड़ी महिमा है। घुष्मेश्वर महादेव के दर्शन से सारे पाप दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि होती है, उसी प्रकार सुखों की दिनों दिन अभिवृद्धि होती है। इसी प्रकार की विशेष जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदू रिचुअल्स। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि निःशुल्क है।